जो पूछना है पूछो, मैं काम छोड़कर आया हूँ। यार थोड़े पैसे की जरूरत है, अगले महीने तुझे दे दूंगा। कितना? 500 रुपए। 500? तो फिर इतना शर्मा क्यों रहा है? जॉनी का बर्थडे इसलिए, वरना मैंने तुझसे कुछ पूछा? पता नहीं कब बड़ा होगा तू। अरे इतना कैश तो नहीं है मेरे पास। एक काम कर, तू घर जाके पारो से पैसे ले ले, मैं उसे कॉल करता हूं। बीवी को बीच में मत ला, पिछली बार उसने बहुत हंगामा किया था, जाने दे। क्या? अरे उसे नहीं पता था कि हम लोग जिगरी हैं। तू टेंशन मत ले, बिंदास घर जा, वो कुछ नहीं बोलेगी। नहीं यार, पैसे तुझसे ही लूंगा, कल सुबह देगा तो भी चलेगा। शाम को तो मैं राजस्थान जा रहा हूँ, परसों सुबह लौटूंगा, तू तब ले लेना, ठीक है? ए, 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 परसों नहीं, तू पारो को फोन कर, हम घर जाके ले लेते हैं। और राजस्थान से दाल बाटी ले आना, ठीक है? बाय। अब ये एक नई मुसीबत, अपने ग्रुप में एक ही हलकट है जो पैसा ला सकता है। हा? हा? तुम तीनों मुझे क्यों देख रहे हो? मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जाना, भाई नहीं है मेरा। हमेशा तू मुझे ही सूली पे चढ़ाता है, उसके हाथ से पैसे लेने का मतलब है उन्हीं डायन के मुंह से पैसे निकालना। भाई प्लीज जाना। ए, पिछली बार याद है क्या हुआ था? हम दिवाली पे गए थे, उसने बासी कचौरी में 3 दिन पुरानी चटनी। इतना बुरा सोच क्यों रहा है? हो सकता है इस बार सब अच्छा। ठीक है जाता हूँ, लेकिन तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे? आज तो ये बहुत अच्छे मूड में लग रही है, हापुस दे रही है, दिल कापुस का हो गया है ना? अर्जुन आजकल तो अपने चकने के बांधे हो गए हैं। आम उठा लेता हूँ, शाम को काम आएगा, क्यों है ना? मैं नहीं खाऊंगा। तुझे तोतापुरी पसंद है? मुझे लंगड़ा पसंद है। कभी खाया है क्या? मेरे को भी खिलाना। मेरे को देने के लिए तेरे पास कभी पैसे नहीं होते, लेकिन दोस्तों को देने के लिए हमेशा पैसे रहते हैं। अब की बार अगर तेरे दोस्तों ने पैसे वापस नहीं किए ना, तो उस राजेश की घड़ी छीनकर मैं चोर बाजार में बेच दूंगी। अरे मेरे बाप से तूने जो कर्जा लिया है वो कब वापस दे रहा है? याद है राजेश 5,500 रूपए लेकर गया था, शादी पे लिया था, अब तो बच्चा भी हो गया, अभी तक वापस नहीं किया। तेरे को 500 की बनारसी साड़ी मांगी तो बाजार से 50 की नाइटी लाया। बर्थडे उसके बेटे का है तो पैसे हम क्यों दे? सुन रहा है तो सुनने देना, मैं क्या डरती है क्या? उसको जरा सी भी शर्म होती ना तो कर्जे पे कर्जा मांगने नहीं आता। तू राजस्थान से आ, फिर बताती हूँ। हाँ हाँ मिल गया पैसा, चल जल्दी फोन रख। साढ़े 5,000 कैसे हो गए बे? 5 ही तो लिए थे। मुझे शादी में 500 जो लिफाफे में दिए थे वो भी जोड़ दिए क्या? चलो अपनी अपनी जेब हल्की करो भाई लोग, मेरे पास कितना है? जेब तो भारी लग रहा है, कितने कुछ निकलता है क्या? जेब है करोड़पति। अरे पूरा 650 रुपए। ले भाई तेरी समस्या का समाधान, एक क्वार्टर रम आएगा और एक पैकेट सिगरेट, टल्ली हो जा और सब भूल जा, पकड़ना भाई। ए मूर्ति सर, अरे कहाँ थे तुम? सुबह से तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ। यार बड़े किस्मत वाले हो तुम। इसकी किस्मत ठंडी के मारे चद्दर ओढ़ के सो गई है, बात क्या है वो बताइए। हैदराबाद क्लब वर्सेस न्यूजीलैंड, चैरिटी मैच होने वाला है, बताया था ना? अरे जब कल चाय पी रहे थे तब बोला था ना मैंने, हैदराबाद टीम को एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत है, तुम्हारे लिए बात कर ली। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। यू आर प्लेइंग टुमारो। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं किसी भी हाल में क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। क्या कहा, नहीं खेलना चाहते हो? पता है ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। यही मौके नासूर बन जाते हैं सर। मैं इतने सालों में सिर्फ एक कोच का असिस्टेंट ही बन पाया हूँ, लेकिन तुम अपने टैलेंट से एक कामयाब असिस्टेंट कोच बन सकते हो। इसे कैसे समझाना मैं जानता हूँ, तू चल मेरे साथ। चल क्या? सुन तो। क्या है, पैसे का बंदोबस्त हो गया क्या? मेरे पास एक आइडिया है, मूर्ति के पास पैसा रहेगा रहेगा, तू मांग ले। नहीं वो क्या सोचेंगे? 500 और सही, लेकिन जॉनी को गिफ्ट नहीं देगा तो वो क्या सोचेगा वो सोच। और हाँ 600 मांगना। 600 किस लिए? 100 मेरे लिए, सुबह से तेरे साथ भटक रहा हूँ। कल का मैच तुम्हें अपना टैलेंट दिखाने का एक सुनहरा मौका है अर्जुन, बाकी टीम के लड़के तो इसलिए खेलते हैं कि 1,000 रुपए कमा लेंगे और पार्टी मना लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये खुद को साबित करने का मौका है।
मूर्ति सर, ये मान गया। मान गया इतनी जल्दी? क्या पिलाया तूने? जन्म गुट्टी। अबे तू इतना क्या सोच रहा है? जैसा मैंने तेरे को सिखाया ना वैसे ही करना। दो तीन चौके छक्के मारना और आउट हो जाना। 1000 रुपए सीधे अंदर, 500 तेरे भाई के। तो हम चले? ठीक है, तो किट लेके आ, हम लोग लिटिल लिटिल मार के आते। तैयार हो जा। ए, पैसे है ना तेरे पास? पापा, मैं और मम्मी यहाँ पर है। कल मेरा बर्थडे है ना, तो हम आंटी को इनवाइट करने आए हैं। मम्मी का आती होंगी। आप कहाँ जा रहे हो पापा? जल्दी आ जाऊंगा। पापा फास्ट फास्ट, मम्मी आपको देख लेगी। पापा जल्दी जल्दी आ जाओ। जॉनी, बादाम दूध पियोगे? नहीं चाहिए। मैं भी आपके साथ चलूं पापा, प्लीज प्लीज। नहीं बेटा, मुझे आने में देर होने वाली है। प्लीज पापा, मुझे ले चलो ना प्लीज। मैंने आज तक कभी आपको बैटिंग करते हुए नहीं देखा है, प्लीज पापा। नहीं। सारा, मैं राजेश के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ। फिल्म देखने? वाओ, मैं भी चलता हूँ, मजा आएगा। प्लीज पापा, इसे भी ले जाओ, कल इसकी छुट्टी है। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है चल। ये ये अबे कौन है घन चक्कर? पापा, घन चक्कर का क्या मतलब है? मतलब चक्कर लगा के जाना। ओ आराम से।
ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. कैसे जॉनी? बेटा सर के पास. क्या कर रहे? बस करो, बचाना बंद करो. स्टॉप इट. अर्जुन, तुम इसे नहीं जानते होगे. नंदू हमारे क्लब का नंबर वन बैट्समैन. ये अर्जुन एक्स रणजी प्लेयर. इसके बारे में सुना होगा तुमने? कभी नहीं सुना. दरअसल अर्जुन हमारे क्लब का फ्यूचर असिस्टेंट कोच बनने वाला है. ओह, इतना अच्छा प्लेयर है. क्या अंकल, इतने दिन कहाँ थे? गावस करके रिटायर होने का वेट कर रहे थे क्या? मूर्ति सर, असिस्टेंट कोच ये बना तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी. इतनी चिंता मत करो मेरी, मैं अपनी पारी खेल चुका हूँ बेटा. तुम ना अपनी सोचो, क्योंकि सामने शेर है. क्या ये सब बार बार शुरू क्यों जाते हो? बस करो यार, रुको, रुक जाओ, बस बंद करो. जॉनी, राजेश अंकल के पास रहना. ठीक है. आजा आजा.